So hello dear students, in this video I will understand this is our second class for JNVST जो 2024 में जो एग्जाम हो रहा है. तो बेसिकली हम लोग उसके लिए एक फ्री कोचिंग ले रहे हैं. आई एम अरूप सरकार फ्रॉम www.netexplanations.com. सो टूडे आवर क्लास इज ऑन मैथामेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज फैक्टर एंड मल्टीपल्स. तो हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग का नवोदया का जो एग्जाम होता है बेसिकली ये एग्जाम में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आता है एंड इस बार हम लोग का ये भी जानते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया. तो हम लोग को आई थिंक मेरे को लग रहा है जो इस बार जो क्वेश्चन आएगा जो क्रिटिकल बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा. तो हम लोग इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पिछले बार का जो फर्स्ट वीडियो था मेरा तो वो भी मैंने बताया जैसे हम लोग इस बार जेएनवीएसटी कोचिंग फुली फ्री में कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस मीन जो भी प्रॉब्लम है सो हम लोग पूरा सॉल्व करूंगा. जैसे सीधा हम लोग डायरेक्ट में टॉपिक में आते हैं. जैसे हम लोग का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो अभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में पहला जो रूल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करूंगा तो वो जो रूल्स है उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये चैप्टर में ये जो ट्रिक है ना ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल्स. ये डिविजिबिलिटी रूल्स किस काम में आते हैं बेसिकली मैं पहले बोलूंगा. डिविजिबिलिटी रूल्स बेसिकली डिवाइड जो करते हैं हम लोग जो डिवाइड बहुत इजी मीन बहुत कम टाइम में करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत हेल्पफुल होता है. जैसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन में सम ऑफ टाइम ऐसे भी आते हैं जैसे दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय टू यस और नो. तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे सपोज एग्जांपल तो कुछ सपोज सम ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन भी आता है जैसे 5020 कैन बी डिवाइडेड बाय टू. तो इस टाइप का कुछ डिवाइडेड बाय टू थ्री फोर फाइव तो ऐसे कुछ एमसीक्यू दे दिया तो फिर हम बच्चे लोग को टिक मार्क देना पड़ेगा. तो ऐसे बहुत कम समय टाइम में करने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के ए टू जेड डिस्कस करूंगा इस वीडियो में. So, पहला जो हम लोग का रूल्स है ना जो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू क्या रूल्स है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू. पहले टू क्या है टू एक पॉजिटिव नंबर है. ये पॉजिटिव नंबर में डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू के ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू में क्या बोला है जी एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर एट द एंड इफ 0, 2, 4, 6 and 8 कोई भी नंबर के एंड सेक्शन में अगर 0, 2, 4, 6 and 8 रहेगा ना तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. एनी ऑफ नंबर कोई भी बड़ा नंबर देखो कोई भी छोटा नंबर है कोई भी नंबर देखो कोई भी नंबर के एंड में बस तुम देखो जी अगर वो नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 and 8 रहेगा ना तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. ठीक है तो यही था हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू. मैंने कुछ एग्जांपल भी दे दूंगा इसके ऊपर कुछ एग्जांपल जैसे मान लो जैसे सपोज 5020 इज इट डिवाइडेड बाय टू यस इट इज डिवाइडेड बाय टू. व्हाई बिकॉज ए जीरो था लास्ट डिजिट में. तो हम लोग का बहुत सारे टाइम बच गया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे करेगा फिर टू से डिवाइड करेगा ये एक टाइम कंज्यूमिंग मैटर है. तो हम लोग टाइम कंज्यूमिंग पूरा हट गया तो अभी बस रूल्स फॉलो करूंगा एंड हो जाएगा. तो सेम नंबर अगर ये भी क्वेश्चन ऐसा देंगे 5221 कैन बी डिवाइडेड बाय टू इट इज नॉट डिवाइडेड बाय टू. व्हाई बिकॉज हियर द लास्ट डिजिट इज 1. ओके अंडरस्टैंड अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू होप यू अंडरस्टैंड. कोई भी डाउट रहेगा ना तो मेरे को तुरंत वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. ओके नेक्स्ट आई विल डू द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ थ्री ऐसे करके हम लोग एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा.
Okay, let's start about the divisibility rules of tree. Here I am writing divisibility rules of tree. पूरा नोट डाउन करो, मैं जो नोट लिख रहे हो पूरा नोट डाउन करो एज वेल एज क्योंकि ये काम में आएगा. एक एक करके पूरा नोट डे वाइज जो मैं प्रोवाइड करूंगा ना, तो पूरा एक एक करके पूरा नोट का जो लिंक है ये मस्ट बी रखो एंड डेली बेसिस फॉलो करो. एंड कोई भी क्वेश्चन के लिए मेरे को तुरंत कॉल भी कर सकते हो. मेरा जो फोन नंबर है नीचे भी रहेगा एंड मेरा जो कॉल नंबर है 8927739405 ये भी तुम नोट डाउन करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हो. ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ ट्री. सो व्हाट अबाउट द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ ट्री. जो नंबर आएगा ना, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर एंड चेक दैट द नंबर इज divided by 3 or not. If yes, then the number is divisible by 3. तो मैंने क्या लिखा है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ ट्री में, सम ऑफ द नंबर, जो नंबर देगा हम लोग को पहले वो सम करो एंड चेक, बाद में चेक करो दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और नॉट. इफ यस, अगर प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, इफ नॉट देन द नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 3. तो इसमें भी जैसे 2 में हम लोग बोल दिया बहुत टाइम कम लग गया, तो इसमें भी टाइम, जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया हम लोग को, सपोज मान लो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं सपोज 5221. तो मेरे को क्वेश्चन में बोला है 5221 कैन बी डिवाइडेड बाई 3 और नॉट. सो पहले क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स सम ऑफ द नंबर, नो सम ऑफ द नंबर नहीं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ऐसे लिखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर. वो नंबर में जितना डिजिट रहेगा ना वो डिजिट के प्लस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जब डिफिनेशन लिख रहे हो ये नोट डाउन कर लो मैंने जो लिख दिया था सम ऑफ द नंबर, नहीं सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर. ओके, सो पहले 5 + 2 + 2 + 1 क्या आ रहा है आंसर, 5 to 7 7 to 9 9 1 10 क्या आ रहा है आंसर, 10. तो अभी 3 का फैक्टर वर्ड गुनो, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, सो 10 तो नहीं आ रहा है, सो दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3. हो गया, तो ऐसे ही हम लोग को करना होगा ट्री का रूल्स. मैंने और भी एक रूल्स प्रोवाइड करूंगा जो जैसे सपोज मान लो हम लोग को रूल्स दे दिया, एक और एग्जाम्पल ये मैं इरेज कर लेती हूँ क्योंकि ये तो तुम लोग नोट डाउन कर लिया. So, और एक लिख देती एग्जाम्पल 6,400 बहुत बड़ा नंबर है. अगर हम लोग को ऐसे करना होगा 3,64,275 हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मैटर है, तो हम लोग बहुत कम टाइम में करूंगा वही सेम प्रोसेस सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर. कितना डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 + 4 + 2 + 7 + 5 6 + 4 10 12 19 24 is it 20. बाद में क्या बोला था डेफिनेशन में, आफ्टर सम के बाद चेक करो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 8 24 so 64,275 can be divided by 3. Okay, clear the concept of divisibility rules of tree, hope you clear. So now we will go to the divisibility rules of 4. It is very easy topic, you have to understand every of concept. Agar koi bhi concept mein clear
नहीं रहेगा ना, तो मैथ में ना क्रिटिकल बेस्ड का जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे लोग का बहुत टाइम लगते हैं, बहुत सोचते हैं। तो ऐसे नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। बस हम लोग को कोई भी क्वेश्चन के लिए हम लोग को कॉल करो, मैं तुरंत कोई भी 10 मिनट वही टाइम में मैं डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक है डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ फोर, क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फोर। तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फोर में क्या बोला है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर्स इफ लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट इफ डिवाइडेड बाय एनी नंबर्स इफ लास्ट टू डिजिट इफ डिवाइडेड बाय फोर, देन द नंबर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय फोर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फोर में, एनी नंबर्स इफ कॉमा लास्ट टू डिजिट इफ डिवाइडेड बाय फोर, अगर लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड होगा ना कोई भी नंबर का, देन द नंबर, तुम इजीली बोल सकते हो भाई ये नंबर तो फोर से डिवाइड होगा। तो सपोज मान लो 6420, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया एंड अभी क्वेश्चन में बोला है 6420 कैन बी डिवाइडेड बाय फोर, यस और नो, क्या करोगे तुम? तुम क्या ऐसे करोगे, 6420 टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, तुम क्या करोगे, बस ट्रिक फॉलो करेंगे। लास्ट टू टू डिजिट देख लिया, लास्ट टू डिजिट में क्या है 20, अभी फोर का फैक्टर वर्ड गुनो, फोर वन जर फोर, फोर टू जर एट, फोर थ्री जर ट्वेल्व, फोर फोर जर 16, फोर फाइव जर 20, तो आ गया ना 20। तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो यस 6420 कैन बी डिवाइडेड बाय फोर, होप यू क्लियर। ओके सेम प्रोसेस 6423 अगर दे दिया, इज इट डिवाइडेड बाय फोर, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इसमें लास्ट टू डिजिट है 23 एंड हम लोग जानते हैं फोर का फैक्टर पार्ट में 23 तो नहीं आते, सो 6423 इज नॉट डिवाइडेड बाय फोर। होप यू क्लियर अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू थ्री एंड फोर। नाउ वी अंडरस्टैंड डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फाइव। सो व्हाट अबाउट द टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फाइव। ओके सो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फाइव, ये वीडियो में ना ये डिविजिबल रूल्स ऑफ फाइव ये बहुत इजी है। क्या बोला है डिविजिबल रूल्स ऑफ फाइव, इफ एनी नंबर्स, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट इस 0 और 5, देन द नंबर, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5 में क्या बोला है, इफ एनी नंबर्स, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 होता है देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। तुम इजीली बोल सकते हो भाई ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर मान लो, एग्जाम्पल कोई भी नंबर, क्या लिखू बोलो, क्या लिखू, जैसे 5000 लिख दिया, इज इट नंबर डिवाइडेड बाय 5, बस लास्ट डिजिट देखूंगा, यस 0 है तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यस। सो इफ सपोज 6423
इज इट डिवाइडेड बाई 5, लास्ट डिजिट देखूंगा 3, भाई ये तो 0 और 5 नहीं है, अगर 0 और 5 रहेगा तो ही बस 5 से डिवाइड होगा, अगर डिफरेंट कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा इसको बोलूंगा नो। सो होप यू क्लियर अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4 एज वेल एज द 5। सो नेक्स्ट डे आई विल अंडरस्टैंड आफ्टर दैट 5 के बाद जो 6, 7, 8, 9, तो ऐसे डे बाई डे ना हम लोग पूरा रूल्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट चैप्टर में चला जाएंगे। होप दिस वीडियो विल क्लियर योर डाउट अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स एज वेल एज, ये बहुत हेल्पफुल होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के लिए। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहा है इस बार JNBST एग्जाम के लिए मस्ट भी फॉलो करो www.netexplanations.com, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग पब्लिश कर दिया, अगर गूगल में भी सर्च कर सकते हो, जैसे सपोज एग्जाम्पल इस टाइप का नवोदय प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे नहीं तो मेरे को तुरंत व्हाट्सअप करो, जो नंबर मैंने बोल दिया वही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं तुरंत तो 10 मिनट उसके ऊपर पूरा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, जय हिंद।